Hello and welcome to Shivi. This is our second video lecture on corporate finance. In our first video lecture, we talked about capital budgeting and we looked into all the required details necessary for the CFA level 1 examination. And in this video, we are going to talk about cost of capital. Starting, we would be talking about the WACC, which is the weighted average cost of capital. And then we would dive into MCC and look into various cost of capitals like KD, which is the pre-tax cost of debt, KD1 minus T, which is the after-cost tax of debt. And we would also look into the pure play method, the asset beta, and various other things required for the CFA level 1 examination. But before diving in, I want to tell you an important thing which is required for you all to know and keep this in mind. Agar aap kisi bhi role mein ja rahe ho finance ke in future, suppose if you are working at New York or New York Wall Street at Blackstone or at Canary Wharf, at HSBC or Citibank, aap suppose karo ki aap financial analyst ho, ya associate ho, ya director level mein baithe ho, ya kya pata khud CFO ho. To ye sab jo basic concept jo main aapko sikhaunga is video lecture mein, ye sab aapko lagega ki yaar ye to simple hai, to bahut easy sa hai, hum ise bas ratta maar lete hai, WACC ka formula ko ratta maar lete hai और हमारा सी एफ ए लेवल 1 निकल जाएगा. तो आप अपनी जगह में सही हो कि आप लेवल 1 तो निकाल पाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से लेवल 2 आप नहीं निकाल पाओगे, ना ही लेवल 3. लेवल 2 नहीं निकलेगा तो लेवल 3 की बात ही नहीं आती है आपकी. लेकिन आप सपोज करो इससे भी आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपने चलते, ये तो रहा एडुकेशन की सी एफ ए में चलो अपने को ये पढ़ना है, वो पढ़ना है और अपने सी एफ ए लेवल 1 निकाल देंगे या सी एफ ए बन जाएंगे. लेकिन आप सपोज करो कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, आप न्यूयॉर्क में ब्लैकस्टोन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आपका बॉस आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि भाई मुझे एक कंपनी एक्वायर्ड करनी है, ठीक है, मुझे एक कंपनी एक्वायर्ड करनी है, तुम इसका डिटेल देखो और हमें बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, क्या हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें फायदा हो. तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, फिर आप सोचोगे कि अरे भैया WACC का तो मुझे फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ डाल दो, चलो देखते हैं क्या आता है, WACC कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या आता है, ये वो. लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रह पाएगा तो आप बॉस को रिपोर्ट नहीं लिख पाओगे. क्योंकि फॉरेन में क्या होता है ना, जब लंदन आप पकड़ लो या हांगकांग पकड़ लो, कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर आप पकड़ लो, आपको रिपोर्ट लिखना पड़ता है. आप क्वांटिटेटिवली तो अच्छे हो सकते हो, आप वैल्यू भी निकाल दोगे, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा उस वैल्यू को रिपोर्ट के फॉर्म में कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ये सीन है. तो आपको रिपोर्ट को अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप उस वैल्यू तो लाए कैसे हो. तो अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगी कि वैक होता क्या है, बस आप बस रट्टा मारकर रखे रहोगे कि ये रहा वैक और ये, तो आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है. ये तो हुआ क्लियर. तो अगर इस वीडियो लेक्चर्स और जितने भी मेरे सीएफए की वीडियो लेक्चर्स है, मेरा एक ही फोकस रहा है, सीएफए तो भैया हमें निकालना ही है 100% कैसे भी, लेकिन एक अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बनना है साथ ही साथ, ठीक है ना. एक अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते बनते हम सीएफए लेवल 1 निकालेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में जॉब करोगे तो आपके बॉस, आपका सक्सेस बहुत, आप ऊपर जाओगे, कोई कंप्लेंस नहीं आएंगे मैनेजमेंट में, आप एक अच्छा रिपोर्ट भी लिख पाओगे, अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पाओगे बॉस को. देखो मैं ये सब चीज मैंने फेस किया रियल वर्ल्ड में, ठीक है ना, लंदन हो गया, यूएस हो गया, अलग अलग जगह आप कहीं पर भी जाओ, आपको एक्सप्लेन अपने आप को करना पड़ेगा, रिपोर्ट आपको बनानी ही पड़ेगी. आप जितना भी बोल दो नंबर्स को एक्सप्लेन करो, लेकिन नंबर्स और थ्योरी इज बोथ इंपॉर्टेंट इन रियल वर्ल्ड, ये चीज को अपने को जान लेना है, ठीक है ना. अब अपने आगे बढ़ेंगे आप और अपने पढ़ाई पढ़ेंगे लेक्चर का, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक पेन और एक पेपर आप अपने हाथ में रखो, ठीक है. जैसे जैसे मैं नोट्स दूंगा साइमल्टेनियसली आप भी नोट्स अंडरटेक करो मेरे साथ साथ, तो इससे क्या होगा कि मेमोराइजेशन तेज होता है, ठीक है ना. साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया कि आप लिख कर याद करोगे तो वो मेमोरी काफी लंबी रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है, ठीक है ना. अपने को यही फोकस करना है कि अपनी मेमोरी लॉन्ग टर्म हो, कि आप एग्जाम में जब बैठो रहो तो आपको याद आए, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप याद आते चला जाएगा. इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट को प्लीज फॉलो करना और एक पेन और एक पेपर आप अपने हाथ में रखो, साथ साथ अपने नोट्स आगे करेंगे, ठीक है ना, साथ साथ लिखेंगे. अब अपने आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का. ओके, सो लेट्स बिगिन. आप मेरी आवाज पे फोकस रखना और जो जो मैं पढ़ाते जाऊं, साथ साथ आप भी अपने अंडरटेकिंग नोट्स में लेते चले जाना, ठीक है ना. तो
इसको इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि ये सीवी प्रेप कोर्स का एक हिस्सा है, ये एक वीडियो जैसे सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और इंटायर कोर्स मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, स्लाइड, मॉक एग्जाम्स को एक्सेस करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट civi.org में आप जा सकते हैं /CFA और जाकर पूरा वीडियो लेक्चर्स एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, जो कि होता है WACC, इसका मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इज इक्वल टू WDKD1-T प्लस WPS KPS प्लस WCE KCE। ठीक है, तो ये तो हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला। अब इसके हम हर एक कॉम्पोनेंट्स को समझते हैं। वेयर WD जो कि पहला कॉम्पोनेंट है इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। WD इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, KD इज इक्वल टू बिफोर टैक्स कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, फिर आता है KD1-T, ये जो कि यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है ना, ये है हमारा आफ्टर टैक्स कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फिर हम आते टी पर, जो कि हमारा मार्जिनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, मार्जिनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ओके, अब हम अगले स्लाइड में जाते हैं, क्योंकि स्लाइड में मैं फिट नहीं कर पाऊंगा हर एक कॉम्पोनेंट्स को। फिर अपने जानते हैं WPS क्या होता है। WPS हुआ हमारा परसेंटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, परसेंटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, WPS हो गया। WPS के बाद आता है KPS, जो कि हमारा हुआ द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। PS मतलब प्रेफर्ड स्टॉक हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर PS जो लिखा हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक है। फिर WCE, देखिए इसमें CE इसका मतलब कॉमन स्टॉक है, कॉमन इक्विटी पकड़ो आप, तो WCE हुआ परसेंटेज ऑफ कॉमन स्टॉक या इक्विटी इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। और फिर हुआ KCE, KCE होता है द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। अब मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में और इस स्लाइड में हमने समझा कि ये डेफिनेशन इनका होता क्या हर एक कॉम्पोनेंट का। अब लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको याद कैसे करना है, बहुत इजी है। तो जहां भी आप W देखोगे, कहीं पर भी जहां भी आपने W W देखा, तो आप समझ जाना ये परसेंटेज ऑफ वेट होगा, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ वेट इन इंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप D D का मतलब हो गया डेप्ट, ठीक है, और आप कहीं पर भी K देखोगे, आप कहीं पर भी K देखना, तो समझ जाना कॉस्ट ऑफ समथिंग होगा, जैसे KD आपका हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, PS का मतलब हमारा, PS का मतलब हो गया प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है, ये भैया प्रेफर्ड स्टॉक हो गया आपका। और CE का मतलब हुआ कॉमन इक्विटी, कॉमन इक्विटी या स्टॉक। ठीक है, तो अब अपने इस फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे WD लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर पहला वाला। फिर KD, KD का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ डेब्ट 1-TT। हमने जाना था कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है। ये KD1-T जो है ये इंटायर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रेट होगा। ठीक है, इसको हम बाद में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
WPS, W मतलब वेट आपका, PS मतलब प्रेफर्ड स्टॉक, KPS, K मतलब कॉस्ट, PS मतलब प्रेफर्ड स्टॉक, फिर WCE, फिर से मतलब W मतलब वेट हो गया परसेंटेज ऑफ वेट, C मतलब कॉमन इक्विटी हो गया, KCE, K मतलब फिर से आपका कॉस्ट हुआ, C मतलब कॉमन इक्विटी। तो आप इस फॉर्मूला को, एक मिनट, आप इस फॉर्मूला को जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके हर एक कॉम्पोनेंट्स आप समझ गए, आप कितना ईजिली याद कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं करना, आपको बस याद रखना W मतलब वेट होता है, W मतलब वेट होता है, K मतलब आपका कॉस्ट ऑफ जो भी कॉम्पोनेंट, जैसे D लिखा है तो डेप्ट हो गया। तो बस इस फॉर्मूला का यही सीन है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम समझते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी। और अगर आप ये जो सामने जो टेबल्स देख रहे हो, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये पूरा जो टेबल है आपका, ये क्या है, ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस शीट है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सेक्शन में हमने समझाया बैलेंस शीट को पूरा डीप में, ठीक है, एकदम ईच पार्ट एंड ईच कॉम्पोनेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो आप वहां पर उस वीडियो लेक्चर को वापस जाओ, एक्सेस करो और समझो कि बैलेंस शीट होता क्यों है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में बैलेंस शीट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ काम करना है तो, ठीक है ना। बैलेंस शीट का नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ब्रीफली बता देता हूँ, हमारे लेफ्ट साइड में एसेट्स होता है, राइट साइड में लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है, ठीक है। तो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तीन चीज देखे थे, अगर आपको याद होगा तो, डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन इक्विटी। मजेदारी की बात यह है कि ये तीनों ही कॉम्पोनेंट राइट साइड यानी कि लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो तीन पार्ट है हमारा, मैं अगले स्लाइड में बढ़ता हूँ, हमारे जो ये तीन पार्ट है जो कि हुआ डेब्ट आपका, फिर से मैं लिख रहा हूँ प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन इक्विटी, ये तीनों ही को बोलते हैं कैपिटल कॉम्पोनेंट्स, कैपिटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के राइट साइड में होता है, जैसे कि आपने देखा ये रहा, ये पूरा हिस्सा आप समझ लो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, सपोज शिवी इंक्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, डब्ल्यू डी इतना, डब्ल्यू पी एस 0.07, डब्ल्यू सी 0.45, इट्स बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 9%, इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 11% एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज 9.2%, मार्जिनल टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट शिवीज इंक डब्ल्यू ए सी सी, ठीक है। तो मेरे सॉल्व करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉज कर दो ये वीडियो को और अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे आंसर और अपने आंसर को आप टैली कर सकते हो, और अगर आपका आंसर सही होगा तो आप पहला जो ये वैक का कॉन्सेप्ट है आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर सी एफ ए में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ऑफन इस फार्मूला से एक क्वेश्चन आ जाता है सी एफ ए के एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके देखो, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आंसर को सॉल्व करता हूँ। आंसर क्या पूछ रहा है हमें क्वेश्चन, डब्ल्यू ए सी सी मांगने पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, डब्ल्यू ए सी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी के डी 1-T प्लस डब्ल्यू पी एस के पी एस प्लस डब्ल्यू सी के सी, ठीक है। डब्ल्यू डी दिया हुआ डायरेक्टली 0.35, के डी हमारा दिया हुआ, देखो इसमें ना के डी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये के डी एब्रिविएशन नहीं यूज हुआ, इन्होंने लिख दिया बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज 9%, जो कि के डी है, तो 9% मतलब 0.09, ठीक है। अपने हम यहाँ पर हमें डेसिमल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम परसेंटेज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर भी यूज नहीं किया। अगर आप फॉर्मूला में परसेंटेज यूज करोगे तो फर्स्ट से लेकर
लास्ट तक, फर्स्ट से लेकर एकदम लास्ट तक परसेंटेज ही यूज करना। अगर डेसिमल यूज करोगे तो फिर डेसिमल ही यूज करना आखिरी तक, ठीक है ना। 1 माइनस टी, टी हो गया हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट या मार्जिनल टैक्स रेट, जो कि है 40%, मतलब 0.4, ठीक है। WPS दिया हुआ है 0.07, 0.07। KPS हमारा दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि 0.11, 11%। कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी भी हमारा दिया हुआ है 0.45, 0.45। और कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी यहाँ पर दिया हुआ है 9.2%, 0.092, ठीक है। जो कि फाइनल इसका आंसर आएगा 0.0510 और 5.099%। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप इसमें कुछ एलजेब्रिकली प्रॉब्लम कर रहे हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको एलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो होगा तो डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना, मैं सॉल्व भी बता भी दूंगा इसे तोड़ कर कि आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टारगेट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको कि एक कंपनी का पर्टिकुलर टारगेट होगा रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक्विजिशंस या इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए उसे जानना होगा कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, ठीक है। तो इसको हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द टारगेट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, द प्रोपोर्शंस बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज, द प्रोपोर्शंस बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज ऑफ डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी। इक्विटी या कॉमन इक्विटी एक ही बात है, जो ये जो तीन कंपोनेंट हमने वैक के फॉर्मूला में जो पढ़ा था, एंड इक्विटी दैट द फर्म एक्सपेक्ट्स टू अचीव ओवर टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोपोर्शन, प्रपोर्शन एक सेकेंड, द प्रपोर्शन बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज ऑफ डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक और इक्विटी। किस चीज का प्रपोर्शन, डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक और इक्विटी का प्रपोर्शन किस हिसाब से एक फर्म में होना चाहिए, एक फर्म में होना चाहिए कि बेस्ट रिटर्न हमें मिल सके, इसका मतलब यही होता है। तो इससे और एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू एनालिस्ट, जो कि आप लोग बनेंगे फ्यूचर में एनालिस्ट, हाउ डू एनालिस्ट डिटरमाइन टारगेट वेट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अपने। तो अब हमें ये समझना है कि जो एनालिस्ट होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं टारगेट वेट्स, कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ डेब्ट होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होना चाहिए या कितना अमाउंट ऑफ कॉमन इक्विटी एक कंपनी में हम रखे, ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट होता है, कैन यूज एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग एनालिस्ट हो तो आप लोग एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स को यूज कर सकते हो, जो कि कंपनी, मान लो पर्टिकुलर कंपनी, आप जैसे कि ब्लैकस्टोन में काम कर रहे हो, ब्लैकस्टोन पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो आप उसी को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, रेफर कर कर। सेकेंड क्या कर सकते हो आप लोग, कैन एडजस्ट एग्जिस्टिंग वेट्स फॉर फर्म ट्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो एग्जिस्टिंग वेट्स है आप उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो अपना फर्म का ट्रेंड में, मतलब फ्यूचर में मान लो आपका कंपनी कोई पर्टिकुलर, जैसे अभी वो फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, कल को वो केमिकल इंडस्ट्री में भी कूदना चाहती है, तो आपको लग रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री का भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने फर्म को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हो, थोड़ा एडजस्टमेंट अपने एग्जिस्टिंग फर्म स्ट्रक्चर में कर सकते हो, ठीक है। या तीसरा जो ऑप्शन होता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप यूज कर सकते हो इंडस्ट्री एवरेज, कैन यूज इंडस्ट्री एवरेज। तो सपोज करो कि आपकी कंपनी है ल्यूपिन, जो कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, ठीक है, आप इसके CFO हो और आपको डिटरमाइन करना है
कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, तो आप दूसरी दूसरी जो कंपनी है जैसे कि सन फार्मा हो गई, कैडिला हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, तो आप उसके कैपिटल स्ट्रक्चर का एवरेज निकाल सकते हो और उस एवरेज को यूज कर सकते हो ल्यूपिन के कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री एवरेज है, तो इंडस्ट्री एवरेज फॉलो किया जाता है। जैसे फार्मा कंपनी फार्मा को फॉलो करेगी, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल को फॉलो करेगी, तो इसी हिसाब से एज एन एनालिस्ट आपको ईजी होगा, और एनालिस्ट ये करते भी है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना टारगेट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, दी मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर आर एस फॉलोज, डेप्ट आउटस्टैंडिंग आपका 6 मिलियन का है, प्रेफर्ड स्टॉक आउटस्टैंडिंग 3 मिलियन, कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग 11 मिलियन और टोटल कैपिटल आपका 20 मिलियन का। तो इसमें पूछा व्हाट इज द फर्म्स कैपिटल कैपिटल टारगेट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इट्स एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें फर्म्स का कैपिटल टारगेट स्ट्रक्चर निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हम इंडस्ट्री एवरेज यूज करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री एवरेज जो कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था, लास्ट स्लाइड में आपका, तो सिंपली क्या होगा, हमें एवरेज निकाल देना है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एवरेज नाम सजेस्ट लिखा हुआ ना, तो हमें क्या कर देना है, इसमें 6/20 कर देंगे डेप्ट को, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक हमारा 3/20, ठीक है। कॉमन इक्विटी 11/20, इसका आंसर बताओ आप लोग, पहले सॉल्व करो इसे। इसके लिए आपका आना चाहिए था 0.3, इसके लिए आना चाहिए था 0.15, इसके लिए आना चाहिए था 0.55। अगर आप अपने से इसे मेंटली भी कर सकते हो, जिसका जिसका मैथ अच्छा होता है, तो आपको कर लेना चाहिए, अपना कैलकुलेटर में जाकर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। अब अपने आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं इस ग्राफ को, जो कि ऑप्टिमल कैपिटल बजट का ग्राफ है। हमारे ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। तो हमारे एक्स एक्सेस में ये है न्यू कैपिटल रेज्ड, अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल रेज्ड या इन्वेस्टेड कंपनी के द्वारा, ठीक है। और हमारा ये हो गया आईआरआर, कॉस्ट ऑफ रिटर्न वाई एक्सेस में हमारा आईआरआर है। ये हमने कैपिटल बजटिंग जो कि हमारा पहला लेक्चर था कॉर्पोरेट फाइनेंस में, हमने एक्सप्लेन किया था इससे, ठीक है ना। और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि वैक भी आप बोल सकते हो, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्केड्यूल बनेगा। तो अब ये ग्राफ कहना क्या चाहता है, ये ग्राफ सबसे पहले तो ये कहता है कि अ फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस एज द फर्म्स इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेस्ड। ये जो मैंने कहा अभी, ये इस लाइन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर रहा है आपका, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि ये लाइन है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी इंक्रीज करते चला जाता है आपका, ठीक है। और अब जो हमारा जो दूसरा लाइन है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्केड्यूल, ये क्यों ऐसा है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आईआरआर जो कि अपना यहाँ पर दिया हुआ है, एट एनी पॉइंट ये जैसे हाई हो गया, ये उससे कम हुआ और ये उससे कम हो गया आपका, ठीक है। जैसे आईआरआर 1 हो गया हाईएस्ट वाला, आईआरआर 2 हो गया उससे कम, और आईआरआर 3 हो गया उससे कम। तो जब भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्केड्यूल हमारा हाईएस्ट आईआरआर से लोएस्ट आईआरआर होता है, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है ना। तो इसका इंटरसेक्शन जो कि आपका होता है, जो कि आप मेरा एक बार डायग्राम अगर पकड़ोगे तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आप इस डायग्राम के हिसाब से समझो, तो ये जो इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमल कैपिटल बजट। नाउ लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड रोल ऑफ द WACC, रोल ऑफ द WACC या MCC, रोल ऑफ द WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। पहला रोल हमारा क्या होगा, द WACC इज द appropriate discount rate for projects that have
the same level, that have the same level of risk as the firm's existing projects. ठीक है, ये तो सिंपल है. The WACC is the appropriate discount rate for projects that have the same level of risk as the firm's existing project. Number second, for a project with greater than average risk, use a discount rate, D rate मतलब discount rate, greater than the firm's existing WACC. For a project with greater than average risk, use a discount rate greater than the firm's existing WACC. One last point है हमारा. हमारा थर्ड पॉइंट है, फॉर प्रोजेक्ट्स विथ बिलो देन एवरेज रिस्क, यूज ए डिस्काउंट रेट या डी रेट लेस देन दी फर्म्स एग्जिस्टिंग WACC. ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये हमारा रोल ऑफ द WACC होता है, जिसको कि आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द WACC इन डिटेल. तो पहला हमारा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, जो कि KD बोलते हैं हम. KD तो दो टाइप का ये होता है आपका. ठीक है, दो टाइप का, पहला होता है प्री टैक्स और दूसरा होता है आफ्टर टैक्स. आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट. तो हमारा प्री टैक्स होता है, उसे हम KD कर डिनोट करते हैं, और हमारा आफ्टर टैक्स को हम डिनोट करते हैं KD 1 - T. ठीक है, तो KD हमारा, जैसे मैंने कहा कि प्री कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है, और ये इक्वल करता है आपका करेंट मार्केट यील्ड टू मैच्योरिटी, ये इसके इक्वल होता है. और इस फॉर्मूला में जो हमारा टी है, जैसे मैंने कहा था, ये मार्जिनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है. ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है. ओके, लेट्स नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो हमारा पहला पॉइंट है, व्हेन अवेलेबल यूज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यील्ड टू मैच्योरिटी होता है आपका, ऑन अ फर्म्स करंट डेब्ट फॉर KD. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर CFA में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपका यील्ड टू मैच्योरिटी प्रोवाइडेड किया गया और आपको डायरेक्टली बोला नहीं गया होगा कि KD क्या है, तो आप अज्यूम कर लेना हमारा KD यील्ड टू मैच्योरिटी के इक्वल होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ फर्म डेब्ट इज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, is not publicly traded, estimate the yield to maturity using the debt rating and maturity of existing debt. तो ये point क्या बोलना चाह रहा है, ये point ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो कि firm publicly traded नहीं है और उसका आपका यील्ड टू मैच्योरिटी एस्टिमेट करना है, तो हमें फिर डेप्ट रेटिंग और मैच्योरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट को यूज कर यील्ड टू मैच्योरिटी YTM को निकालना पड़ेगा. ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है. ठीक है ना, YTM
कैसे डेप्ट रेटिंग को यूज किया जाता है, कैसे मैच्योरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट को देखकर उसके फॉर्मूला यूज कर कर हम YTM को निकालते हैं, ये पूरा अलग ही टॉपिक है, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस इस पॉइंट को याद रखो कि अगर फर्म पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है आपके CFA के एग्जाम में कि सपोज इफ द फर्म इज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड एंड व्हाट इज द फर्म्स डेट और हाउ डू वी एस्टिमेट द फर्म्स डेट, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि YTM कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द डेप्ट रेटिंग एंड द मैच्योरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग डेप्ट, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर अ फर्म दैट यूज फ्लोटिंग रेट डेप्ट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द फर्म स्टेप, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द फर्म स्टेप यूजिंग द yield curve and firm's debt rating। तो ये भी सेकेंड पॉइंट की तरह सिमिलर है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोटिंग रेट डेप्ट है और हमें YTM को एस्टिमेट करना है या KD को एस्टिमेट करना है, तो हमें yield curve और firm's debt rating को यूज करना होगा। अब हम आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपको KD और क्लियर हो जाएगा। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। CV कैन इशू न्यू पावर डेप्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। इफ CV हैज 40% मार्जिनल टैक्स रेट, CV's आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? KD 1 - T। सिंपल, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। KD हमारा दिया हुआ 0.075, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ 0.4, तो हमारा आंसर आया 0.045 और 4.5%। इतना इजी क्वेश्चन जनरली CFA में पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन क्योंकि मैं KD और KD 1 - T जो कि कॉस्ट ऑफ डेट और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट समझा रहा था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया। अब हम आगे समझेंगे KPS जो कि कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक याद होगा WACC के फॉर्मूले में हमने KPS के रूप में डिनोट किया था। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? KPS इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय P। DPS क्या हुआ हमारा? DPS, ठीक है ना, वो DPS पब्लिक स्कूल नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, ये DPS है, ये दूसरा है, इसे कहते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड्स। गलती से DPS मत समझ लेना, ये DPS हुआ प्रेफर्ड डिविडेंड्स, और P आपका हुआ मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक समझ लो, मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना, एक सेकेंड, इस फॉर्मूला को आपको याद करना, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी को हमने डिनोट किया था KCE से, और कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड हमारा CAPM है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं। CAPM का फॉर्मूला बनता है KC इज इक्वल टू RF प्लस बीटा टाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री। RF मतलब हुआ रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री हुआ। बीटा हमारा मार्केट सेंसिटिविटी होता है, ये फुल को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री को हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट, बीटा आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ फर्म्स स्टॉक, इसको अपने मार्केट सेंसिटिविटी भी कहते हैं, मार्केट सेंसिटिविटी, और ERM आपका एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न होता है, एक्सपेक्टेड मार्केट
रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कैपम मेथड का है, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी निकालने के लिए है, जो कि रिस्क फ्री प्लस बीटा टाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका। क्विकली हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव बीन प्रोवाइडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ 6%, रिटर्न ऑन द मार्केट इज 11%, बीटा इज 1.1 और हमें एस्टिमेट करना है कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। तो हम यूज कर देते हैं कैपम फॉर्मूला हमारा, जो कि होता है के सी डी टाइम्स आर एफ प्लस बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट माइनस रिस्क फ्री। ठीक है, तो 0.06 प्लस 1.1, 0.11 माइनस 0.06, हमारा आंसर आ गया 11.5%, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो कि जिससे कि आप केसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया, केसी इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, प्राइस P0 is equal to D1 divided by KC minus G is equal to D0 1 plus G divided by KC minus G। ऐसे मैंने डी अरेंजमेंट क्यों किया है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये डी अरेंजमेंट का कारण, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें है क्या D1। D1 हमारा होता है नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड होता है हमारा। P0 हमारा करंट स्टॉक प्राइस हो गया, करंट स्टॉक प्राइस, और G हमारा फर्म्स एक्सपेक्टेड कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता, ग्रोथ रेट। अब G का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देता हूँ दूसरे कलर से। आपका G का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूँ, G इज इक्वल टू आर ओ ई जो कि रिटर्न ऑन एक्विटी होता है, मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेट, मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेट। और रिटेंशन रेट को हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, आर ओ ई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पे आउट रेट। मैं सब फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में मैंने फिर से लिख दिया, लेकिन हमें मेन फोकस हमारा इसमें होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी का फॉर्मूला। और जो आप ये देख रहे हो प्राइस ऑफ स्टॉक, ये मैंने डी अरेंज किया है, ये जो चीज है आपको इसको ही मैंने डी अरेंज कर यहाँ पर लिखा है। और ये हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला, ठीक है, इस ग्रोथ का फॉर्मूला को आपको याद रखना चाहिए। ये ग्रोथ का फॉर्मूला है हमारा, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई रिटेंशन रेट। और ये जो मैंने ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा है ना ब्लैक में, पी नॉट प्राइस, कभी कभी क्या होता है ना, हमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि फर्म्स का आपका फर्म का जो प्राइस है, करंट स्टॉक प्राइस है, आप वो बताओ हमें। और ये सब दिया हुआ रहता है आपका डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड, केसी, ग्रोथ रेट। तो बस इसे डी अरेंज कर आप प्राइस ऑफ द करंट स्टॉक भी पा सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी मेथड को यूज करते हुए। तो हम इस सिंपल एग्जांपल को देखते हैं, मैंने ब्लैक में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें कि कहते हैं कि आप सपोज करो कि सीवी स्टॉक प्राइस है $21, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड $1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, और सीवी पे आउट कर देगा आपका 40% ऑफ इट्स अर्निंग, जो कि पे आउट रेशियो हो गया हमारा। तो व्हाट इज सीवीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो के सी हमारा क्या हो गया, तो हम के सी का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, के सी इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी। ठीक है, तो वन जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है, डिवाइडेड बाई 21 प्लस आपको ग्रोथ का फॉर्मूला लगा देना, रिटर्न ऑन इक्विटी
multiplied by 1 minus payout ratio, 0.12 multiplied by 1 minus 0.4. तो 1 divided by 21 plus 0.072 हो गया आपका, आंसर हो गया 0.12 और 12%, ये हमारा KCE हो गया। अब हम थर्ड मेथड को देखते हैं। थर्ड में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, KCE निकालने के लिए बॉन्ड मार्केट यील्ड, बॉन्ड मार्केट यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। अगर हमें किसी क्वेश्चन में बॉन्ड मार्केट यील्ड और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है तो हमें बस उसे ऐड कर देना, ठीक है। इसमें दो चीज ध्यान रखना है हमें, अज्यूम करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स रिक्वायर अ हायर रिटर्न ऑन अ फर्म्स इक्विटी देन ऑन इट्स डेब्ट। अगर कोई एक फर्म है, नो डाउट उसके इक्विटी में उसको हायर रिटर्न चाहिए होगा डेब्ट के मुकाबले। और दूसरा ये याद रखिएगा, जनरली रिस्क प्रीमियम जो कि होता है हमारा, रिस्क प्रीमियम का रेंज 3% to 5% ही होता है, जनरली मार्केट में ये देखा गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्योर प्ले मेथड को समझते हैं आगे चलकर। प्योर प्ले मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एसेट बीटा का भी यूज करेंगे और समझेंगे प्योर प्ले मेथड को। फुल वीडियो एक्सेस करने के लिए शिवी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन।